18 महीने में जब 10 लाख इंसान खर्च कर सकता है तो इनकम भी बहुत होता है। इतना आप लोग मोटिवेट हो जाए इसी चीज से। हाय एवरीवन, आप सबका फिर से एक नए वीडियो पे स्वागत है। सो दोस्तों, आज हमारे साथ फिर से एक बार है विजय रिया व्लॉग। देख रहे हो लव मैरिज कपल, जिनका की व्लॉग चैनल है, बहुत अच्छा खासा व्यूज भी आता है, आप लोग जानते ही होंगे। और ये भी झारखंड से ही बिलोंग करते हैं। तो पहले तो जोहार झारखंड सबको, आप सभी लोगों को। हम भी झारखंड से हैं, हमारी ओर से। तो दोनों हम लोग आपस में झारखंड से ही बिलोंग करते हैं। अभी भाभी जी भी साथ में आई हुई थी, हमने फिर से बुलाया था एक बार ताकि एक और इंटरव्यू आ सके। इस बार थोड़ा सा अलग रहेगा, पूरा कॉन्सेप्ट अलग रहेगा। भाभी जी को जस्ट मैंने आप लोगों से वीडियो में मिला दिया, अब भाभी जी को बोलते हैं आप आई आराम से बैठिए, आज विजय जी से पूरा पोल खुलवाएंगे, ठीक है? पूरा चैनल का यूट्यूब स्टूडियो खोल दीजिएगा ना जी। कहाँ ले, खोल देंगे, एकदम दिखा देंगे, एकदम दिखा देंगे खुला। क्या दिक्कत, हम तो ऐसे भी हम बताते हैं, सभी लोग को मोटिवेट करते भी हैं। हाँ। क्योंकि बहुत सारे लोग नहीं बताते हैं कि यूट्यूब में भी कुछ कमाई है, लेकिन हम तो खुल के बताते हैं कि यूट्यूब में कमाई है। कमाई है ना जी। तो आज यही जानेंगे, पूरा वीडियो दोस्तों अर्निंग पे ही डिपेंड है। आज हम लोग जानेंगे कि विजय रिया ब्लॉग जो चैनल पर 7.5 लाख सब्सक्राइबर है करीब, और ये ब्लॉग डालते हैं पर वीडियो अभी के टाइम पे 2 लाख 2.5 लाख करके व्यूज आ रहा है, तो आखिर कितना पैसा यूट्यूब से बन रहा है, एक ब्लॉगर कितना कमा सकता है ना, वो भी गांव का सिंपल लाइफस्टाइल दिखा करके। ऐसा कुछ नहीं कि हाई फाई वीडियो बनता है हम लोगों का, तो इस तरीके का वीडियो बना करके ये महीने में कितना कमा रहे हैं। तो विजय जी वेलकम हमारे चैनल पर। आप तो पहले पॉडकास्ट में आए हैं, लेकिन मेरे इस वाले चैनल पर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हैं। विजय जी के बारे में मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता देता हूँ, जिसको नहीं पता न्यू अगर ऑडियंस है तो। ये जो है एक लव मैरिज कपल है, ठीक है? इनकी वाइफ आप लोगों ने मिल ही लिया स्टार्टिंग में। ये जो है अपना फैमिली का जो है डेली लाइफस्टाइल व्लॉग बनाते हैं, जो भी इनके घर में चलता है, जो कुछ इनके लाइफ के साथ चल रहा है, सब कुछ ये दिखाते हैं, ठीक है? जैसे घर बना रहे हैं, कहीं निकल रहे हैं, कहीं घूम रहे हैं, इस तरह का इनका ब्लॉग रहता है। हर ब्लॉग पे देखिए व्यूज भी अच्छा खासा आता है। विजय जी थोड़ा सा ऑडियंस को ये बता दीजिए, लाइक आपने मतलब यूट्यूब कब से स्टार्ट किया था यूट्यूब का? 15 जनवरी 2022 जनवरी में। हाँ। मतलब आपका भी एक साल कुछ महीना हुआ है ना? एक साल चार महीना। मतलब साल भर में आप लोगों ने अपने चैनल को इतना तेजी से ग्रो कैसे कर लिया, बताइए तो। बस क्या बताइए, बस इसका तो कोई जवाब ही नहीं कि मतलब मैं क्या कहूँ, क्योंकि एक मेहनत है और कहीं ना कहीं एक ट्रिक भी है। अच्छा। क्योंकि बहुत लोग बोलते ना कि मतलब यूट्यूब में मतलब बिन सीखे मतलब हो जाता, लेकिन दोस्तों अगर सच बताओ आप सभी लोगों को, तो बिन सीखे कोई भी चीज नहीं होता, बिना लर्निंग का बिना अर्निंग हो ही नहीं सकता। सही बात, मतलब पॉसिबल ही नहीं है। सही बात, सबसे पहले तो सीखना पड़ता है और बाकी मनोज भैया तो यही सिखाने के लिए। आप जो है स्टार्टिंग से ही मतलब कि ये कपल ब्लॉग ही बनाते थे? हाँ, स्टार्टिंग से। हाँ। मतलब शुरू से आपका कंटेंट लगभग ऐसा ही है? हाँ, ऐसा ही है ना। तो अभी आपने वीडियो कितना डाल दिया? 423। थोड़ा सा यहाँ पर मेहनत का पहले बात करेंगे, फिर अर्निंग का बात करेंगे। हाँ। क्योंकि मेहनत पहले देखना पड़ेगा ना भाई, आज की डेट में ये जितना कमा रहे हैं ऐसा नहीं है कि तुरंत इतना कमा रहे हैं, इसके पीछे इनका बहुत ज्यादा मेहनत भी लगा है। मेहनत क्या है देखिए, 423 वीडियो है सिर्फ एक साल में, मतलब रोज एक वीडियो पर डे भाई एक वीडियो बनाते हैं। आप जितना आसान समझ रहे हो दोस्तों, उतना आसान है नहीं। रोज ब्लॉगिंग करना ये एक बहुत बड़ा टास्क है, जब आप करोगे तो अब आपको समझ में आएगा। मैंने भी ट्राई किया था करने का, नहीं हो पाता है मेरे से, मैं साफ बता देता हूँ, ठीक है? ये बहुत बड़ा मेहनत का काम है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, मुझे ऐसा लगता है विजय जी कि एक डेली ब्लॉगर जो होता है, जो डेली वीडियो बनाता है, ब्लॉग बनाता है, उनका काम नहीं रहने पे भी उनको काम ढूंढना पड़ता है ना। सही बात, क्योंकि काम नहीं कीजिएगा तो आपका वीडियो नहीं बनेगा। अगर हम बोलेंगे कि मुझे नींद आ रहा, खाना वाना खा लिया, अब 4 घंटा सो जाते हैं, तो फिर आपका वीडियो ही नहीं बनेगा ही नहीं, कहां से बनेगा? मतलब आपको कुछ ना कुछ करते रहना पड़ेगा तो ही आपका ब्लॉग बनेगा। तो कभी कभार तो ऐसा भी होता होगा कि मतलब वो फालतू का काम है, नहीं करने से भी चलेगा, लेकिन फिर भी जा रहे हैं, जहां से कंटेंट बनना है, कंटेंट बनना पड़ता है, तो ऐसा करना पड़ता है। एक डेली ब्लॉगर का यही ट्रिक रहता है कि भाई कुछ भी करना ही पड़ेगा, नहीं करेंगे तो वीडियो नहीं बनेगा, वीडियो नहीं बनेगा। तो आप जब सुबह उठते हैं सो के, तभी से आप कैमरा पकड़ लेते हैं? हाँ, मतलब डेली का ये मेरा मतलब रूटीन है कि 9 बजे 8 बजे से लग जाते हैं डेली हर एक दिन, चाहे कुछ हो जाए। मतलब जब से हम यूट्यूब में आए, अगर सच बताए ना, तो लोग बोलते हैं, मतलब पहले मुझे भी लगता था, अगर ये यूट्यूब में क्या हार्ड है, 10 मिनट का तो बस वीडियो बनाना ही है, बस कैमरा लेके उठो बकबक करो हो जाए। लेकिन सच बताया तो ये एक्चुअल नहीं है, क्योंकि आज तक हम कभी सर दर्द का दवा खाए नहीं थे, लेकिन जब से यूट्यूब में आए ना, मेरे को खाना पड़ा है। इसलिए कि जब मेरा चैनल ग्रो कर रहा था ना, तब तो मतलब इतने सारे लोग मेरे घर आते थे डेली, कम से कम 20-30-40 लोग, पूरा फ्रस्ट्रेट। हाँ, कोई ऐसा लोग ना हो, मतलब कोई ऐसा दिन ना हो कि मेरे घर 30-40 लोग नहीं आते थे। अभी थोड़ा सा कम हुए हैं, 8-10-15 ऐसे भी आ ही जाते हैं, डेली आते हैं, कभी कभी तो घर में आकर के सो जाते हैं, भागते ही नहीं है। कई बार ऐसा हुआ है, तो जैसे कि वीडियो भी बनाना और लोगों से भी मिलना कितना मतलब कठिन है। जो एक यूट्यूबर है वही समझते हैं इस बात को, बाकी इस चैनल में तो सभी यूट्यूबर ही हैं। हाँ, सब यूट्यूबर ही। हाँ। है, जो वीडियो देख रहा है वो एक यूट्यूबर ही है, चाहे उनका कम सब्सक्राइबर हो या ज्यादा हो, सब क्रिएटर है। तो विजय जी मतलब आपका इतना आदत हो गया होगा डेली जब आप वीडियो बना रहे हैं, तो कभी ऐसा नहीं हो गया नींद में ही बोल रहे हैं हाय दोस्तों नमस्कार? नहीं, ये हो जाता है,
सपना सपना देखिए ये रियल है, ऐसा हो ही जाएगा ना भाई, डेली 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 एक ही मतलब मोबाइल छेड़ना, मोबाइल ही करना, और मेरा भी आंख भी मतलब थोड़ा सा ही हो गया। आपका तो ये चीज जरूर होता होगा कि आप सो के भी है ना, फिर भी आपको लगता है कि आप ब्लॉग ही बना रहे, एडिट कर रहे हैं, ब्लॉग बना रहे हैं, है ना, होता है ना, काहे कि वो दिमाग तो आपका सब समय वही चल रहा है कि आज क्या कंटेंट बना है, कल क्या बना है, थोड़ा सा इसमें भी आप दिमाग लगाते होंगे कि कल जो वीडियो बनाएंगे उसका टाइटल क्या रखे, थंबनेल क्या रखे, सोचना पड़ता है। तो डेली ब्लॉग बनाना बहुत टफ है, तो ब्लॉग में भी एक टॉपिक ढूंढना पड़ता है, ऐसा नहीं कि मतलब कुछ भी कर रहे हैं वीडियो बना दिया चलेगा ही नहीं, फिर पहले ही सोचना पड़ता है कि आज क्या ऐसा करेंगे, कैसा थंबनेल रखेंगे। मेन होता थंबनेल, सबसे जो मतलब कि मेन होता थंबनेल ही, वो वीडियो को वायरल कराने में ना देखा जाए तो 95% काम करता थंबनेल। तो अब दोस्तों आप लोग जिस चीज का इंतजार कर रहे हैं, चलते हैं उस वाले धीरे धीरे उसी ट्रैक पे, ठीक है। अभी आप लोग इंतजार कर रहे हैं कि इनकम कितना होता होगा विजय जी का, जब 7.5 लाख सब्सक्राइबर है। तो विजय जी का इनकम जानने के लिए ना इनका खर्च जानते हैं कि इन्होंने ऐसे मतलब कि 1.5 साल ही हो रहा है ना, 1.5 ईयर लिख देते हैं, ठीक है, 1.5 साल, 1.5 सालों में इन्होंने खर्च कितना किया यूट्यूब से कमा करके, क्योंकि यूट्यूब छोड़ के तो आप कुछ करते नहीं, करते जो पैसा आता है यूट्यूब से सब। तो बताइए आप एक एक चीज गिनवाइए, पहला क्या आपने यूट्यूब से लिया? देखिए सबसे पहले मेरा फर्स्ट पेमेंट आया था, तो पहले मेरा ढंग का फोन नहीं था, क्योंकि जो भी यूट्यूबर हो उसका जो सर्वप्रथम होता है हथियार, बिना हथियार का आप शिकार कर नहीं सकते, क्योंकि चाहे जो भी हो। तो मोबाइल चाहिए था मेरे को, तो हम लिए हुए थे वीवो V23 मोबाइल का नाम है, वो मेरा 35,000 का था, 35,000 उसका लगा हुआ था, 35,000। हाँ, दूसरा सर उसके बाद हम लिए एगो मतलब कहीं आने जाने के लिए जरूरत पड़ता गाड़ी का, तो हम ले लिया स्कूटी, स्कूटी लिया, हाँ, इंटोर्क टीवीएस, इंटोर्क टीवीएस, हाँ, कितना लगा था वो? 1.14 पड़ा होगा, 1,14,000 करीब है ना, हाँ, 1.14 पड़ा। और बाकी हम एगो पलंग लिए, पलंग वो मेरा लिया 26,000, फिर एक मैंने फिर खरीदा अलमारी, वो लिया था मेरा 18,000। फिर रिया जी को मैंने गोल्ड दिलाया था मंगलसूत्र, वो मेरा 24,000। हाँ, और बाकी मतलब मैं अभी घर बनवा रहा हूँ, जो आप लोग जानते होंगे सपनों का घर, घर बना रहे हैं वो सबसे ज्यादा तो खर्चा आपको उसी में हुआ। हाँ, तो वो तो लगभग नहीं भी जोड़ा, लेकिन फिर भी तो 2-3 से ज्यादा खर्च हो गया होगा। हाँ, 2-3 से ज्यादा है ना, लगभग 4 ही मानते हैं। हाँ, 4 ही मानिए, वो तो खर्च होना है, खर्च होना है घर में। और फिर आप लिए कार, कार कार जी मैंने फिर कार खरीदा, कार लिए हैं इन्होंने, नेक्सॉन टाटा का, टाटा नेक्सॉन। तो इसमें हम 5 अभी रख देते हैं, और बाकी जो है इनका ईएमआई लगता है, मंथली इनको देना पड़ता है, और बाकी जो घर का खर्च है, जो चांदनी को जो हम पढ़ाते हैं, वो मेरे मतलब वो लोकेशन का वो सबसे मतलब कि टॉप में वो स्कूल आता है। अच्छा, जहाँ चांदनी पढ़ती है इनका बेटी, एक चांदनी छोटी सी, उनको ये अभी सबसे अच्छे स्कूल में पढ़ा रहे हैं अपने एरिया के, है ना, एरिया का। तो उसमें कितना लग जाता मंथली खर्चा? वो मेरा लग जाता मतलब 3,000 प्लस लगता है, 3,000 प्लस लग जाता। तो अपने बच्चों को पढ़ा भी रहे हैं, ये एक ही बच्ची है अभी, एक छोटी सी बेटी है। तो फिलहाल अभी इतना ही हम लोग मोटा मोटा जोड़ते हैं, बाकी खर्च तो भाई ऐसे भी बहुत होता बहुत है एक यूट्यूबर को, ठीक है, ऐसा टुमटाम खर्च तो बहुत होता, बहुत होता है, तो वो सब तो जोड़ेंगे नहीं, यहाँ पर 3 जीरो लगा देते हैं पहले। कितना होगा जी, जोड़िए, 5, 4, 9 और 6, 15 और 8 कितना हो गया, 15, 23, 24, 27 कितना आ रहा, लगभग 10 लाख के करीब आया सिर्फ एक साल का खर्च, ठीक है। सिर्फ अभी मोटा मोटा जो है, जो चीज इन्होंने खरीदा उसके बारे में बोला, अब रहना पहनना कपड़ा खान पान सब कुछ तो YouTube के ही, सब YouTube का ही होता है ना, गाड़ी का पेट्रोल, हाँ, सब चीज है ना, कोई मेहमान आया तो उसको खिलाना, हाँ, पिलाना, कहीं आना जाना खर्चा, हाँ, तो वो सब तो है ही। तो 10 लाख रुपया इन्होंने सिर्फ 1.5 साल में खर्च कर दिया है, मोटा मोटा मैंने जोड़ा, ठीक है। अब आप लोग को मैं अर्निंग नहीं बताऊंगा, अब अर्निंग आप खुद समझ लो, ज्यादा दिन नहीं हुआ यूट्यूब पे इनका, 1.5 साल हो रहा है, मतलब 18 महीना हो रहा है, 18 महीने में जब 10 लाख इंसान खर्च कर सकता है तो इनकम भी बहुत होता होगा। इतना आप लोग मोटिवेट हो जाए इसी चीज से। अब विजय जी आप बोलना चाहेंगे कुछ अर्निंग से रिलेटेड? हाँ, जरूर मैं ये कहना चाहूंगा, क्योंकि देखिए जैसे कि मैंने रिसेंटली मैंने गाड़ी लिया, हाँ, तो बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं, बहुत सारे मतलब यूट्यूबर ही है, बहुत सारे व्यूअर्स है, और जैसे आपका जो ये चैनल है मतलब टेक चैनल है, जितने भी है सभी यूट्यूबर ही है। तो देखिए मतलब साफ साफ में अगर कहा जाए तो जितने भी यूट्यूबर है और अगर 1 लाख सब्सक्राइबर है और अगर एक्टिव व्यू अगर 50,000 आता है, एक्टिव व्यू ज्यादा हम नहीं जोड़ रहे, 50,000, तो वो मतलब हर महीना वो कम से कम 40 से 50,000 रुपया इजली कमा जाता है, क्योंकि हम लोगों का एक्सपीरियंस, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी वो कमा रहे हैं, वो आप भी जानते हैं, और चाहेंगे तो सभी लोग गाड़ी ये सब कर सकते हैं, लेकिन बहुत लोग का है कि दिखाना है, बहुत लोग नहीं दिखाते हैं, सबका अपना अपना लाइफ है, बहुत कोई अपना मतलब लाइफस्टाइल बदलना ही नहीं चाहता, कि नहीं चाहता पता है कि ऐसा लाइफस्टाइल दिखाते रहेंगे, हाँ, तो ऑडियंस हमें सिंपैथी देते रहेगा, मतलब देखते रहेगा, लेकिन आज की दुनिया में कोई बुड़बक नहीं है, बुड़बक नहीं है, सब लोग जानते हैं यूट्यूब में बदलाव देखिए लाना भी चाहिए मेरे अनुसार। आप जब कमा रहे हैं तो आप अपने जिंदगी में कोई बदलाव कीजिए, आपकी आपकी लाइफ को हम लोग बहुत जीरो से देखे हैं, पहले आप सीढ़ी में ही घर है, नहीं ये घर नहीं था ना,
ये घर भी नहीं था, ये घर भी नहीं था, चाचा का था। सीढ़ी में बैठ कर वीडियो बनाते थे, फिर आपने कार लिया, मतलब टोटल चीजें परिवर्तन हुआ, सब कुछ रहन सहन, मतलब क्या कहते हैं बोली विचार से टोटल चीजें, खान पान तो काफी, मतलब आपको देख करके मतलब कि मोटिवेट हुए। हाँ, तो उससे फायदा देखिए मुझे भी हुआ और दूसरों को भी हुआ, लोग देखे तो मोटिवेट, हम लोगों को भी हुआ ना, क्योंकि आपकी वीडियो मुझे किसी और ने बताया था, ठीक है, तो बोला कि झारखंड का कोई एक मनोज दे नाम करके कोई लड़का है, उसने कार लिया यूट्यूब मनी से। हम बोले यार यूट्यूब में अगर पैसा होता सब तो यूट्यूब में करेगा यार, कहे यूट्यूब हम करेंगे, तो वो बताया कि वो इतना कमा जाते हैं ना कि उसके सामने सरकारी नौकरी कुछ भी नहीं है, तो मुझे बिलीव नहीं हुआ। तो फिर रिसर्च करते गए तो जितने भी यूट्यूबर है ना सबके पास देखते हैं बढ़िया बढ़िया कार है, आज मेरे पास भी है। हाँ, तो, आज आपने भी लिया? हाँ, मैंने भी लिया, क्योंकि ये बताना इसलिए पड़ता है कि बहुत लोग बिलीव नहीं करते हैं, क्योंकि मेरी भी लाइफ को लोग जीरो से देखे हैं। हाँ, जीरो से नहीं, बहुत कोई सही बात है, अभी तक विश्वास नहीं करते हैं कि यूट्यूब से पैसा भी मिलता है, क्योंकि कान खोल के सुन लो, कान खोल के यूट्यूब पे बहुत पैसा है, बहुत पैसा है, समझ ही नहीं ये, मतलब अगर चंद शब्दों में अगर मैं कहूँ तो ये यूट्यूब एक समुंदर है, समुंदर ये कोई लिमिट ही नहीं, जितना उठाना उठाना बटोरना है बटोर लो, है जी, यस, क्योंकि तो अब आप विजय जी बताइए, जब आपका 2-2 लाख व्यूज आ रहा है, हाँ, आप इतना लाखों में आज के डेट में कमा रहे हैं, ठीक है, लाखों में ही हम सीधा इनडायरेक्टली बता देते, हाँ, तो सौरभ जोशी कितना कमाता होगा सोचिए, देखिए अगर 5-5 मिलियन पर अगर हम अगर बता देना, मतलब मेरा आंकड़ा से, मेरा चैनल के हिसाब से, तो हर एक मंथ 80 से 90 लाख कहीं जाता है, 80 से 90 लाख रुपया सौरभ जोशी आज के डेट पे कमा रहा है ना जी। तो चलिए दोस्तों, आई होप आज की इस वीडियो से आप लोग काफी ज्यादा मोटिवेशन मिला होगा, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, विजय जी का चैनल भी आप लोग चेक कर सकते हैं अगर नए हैं तो, एंड चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।